दोस्तों वेलकम टू जोया मैथ्स एकेडमी। दोस्तों ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल चुके हैं जिसके ऊपर हमने पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूले और इक्वेशन आपको अच्छे से रिवाइज कराए थे पिछले वीडियो में। वो बहुत अच्छे से देख लेना दोस्तों, क्योंकि अगर वो आपका परफेक्ट है, और अब मैंने बोला था आपको उसके नोट्स भी बना के रखिए अलग से सेपरेट नोटबुक में, तो वो भी आप अच्छे से करिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अभी आपको टिक करा रहा हूँ, ओके, और टिक करा रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस आप एकदम श्योर शॉट 200 ले सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मोस्ट लाइकली ये जितने हम टिक कराएंगे उसके भी आप अलग से नोट्स बनाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, पूरे क्वेश्चन उसके के अंदर से आएंगे और श्योर शॉट आपको 90+ मार्क्स इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक नया वीडियो, ओके। पहली बार इस चैनल पर आए तो यार सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह से मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा, और जिस जिसने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज हम M1 ले रहे हैं, और M1 में देखते हैं कि मोस्ट लाइकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब जैसे कि मालूम है दोस्तों आपके इंडेक्स में यही टेक्स्ट बुक है जिसमें मैंने आपको पूरे टिक कराया था, ओके। तो जहाँ जहाँ ये रेड पेन के मार्क दिख रहे हैं दोस्तों, ये आपके रिड्यूस सिलेबस में से, तो ये आपको चैप्टर्स मतलब ये रिड्यूस सिलेबस में से, जैसे कि आपको देख रही है फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रेटजीज आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ ये चार चैप्टर्स के ऊपर टिक करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल आ सकते हैं, और एकदम श्योर शॉट दोस्तों आप इसको ले सकते हैं एकदम, ओके। आप देखिए प्रैक्टिस सेट के अंदर जहाँ जहाँ रेड पेन टिक मार्क दिख रहे ना, ये रिड्यूस सिलेबस है, आपको ये पढ़ना नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट में देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, और जहाँ जहाँ मैंने रेड पेन के जो टिक मार्क करे हुए ये नहीं आने वाले, ओके। और जो मैं ब्लैक पेन से करूँगा दोस्तों, ये इसको आपको नोट्स बनाना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम 7 क्वेश्चन को टिक करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये आ सकता है एग्जाम्स में। इसी के साथ साथ हम एक्टिविटी भी टिक करेंगे, ओके। ये एक्टिविटी आ सकती है दोस्तों 2 मार्क्स के लिए, ओके। और ग्राफिकल मेथड में मैं सेकेंड क्वेश्चन और ये जो सेकेंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, ये 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते फटाफट, इस तरह से एक्टिविटीज़ भी हम टिक करेंगे। और यहाँ पर 1.3 प्रैक्टिस सेट में इस तरह से मैं ये फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 मैं एज्यूम कर सकता हूँ। क्रेमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सेकेंड क्वेश्चन और ये फिफ्थ क्वेश्चन को मैं टिक करता हूँ कि ये मोस्ट लाइकली एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से टिक करेंगे, ओके, और अलग से इसके नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और देखते रहेंगे हमेशा घड़ी घड़ी इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। 1.4 प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों, ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, 2 वीडियो इसके, एक रिड्यूस सिलेबस और एक रिवाइज रिड्यूस सिलेबस। ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो ये भी आप जाके अच्छे से देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर पर जाते हैं, लास्ट प्रैक्टिस सेट पर 1.5 में। देखिए 1.5 में मेरे हिसाब से ये एज वाला क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ओके, और ये आउट ऑफ 90 किलोमीटर स्पीड वाला क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तो ये दो क्वेश्चंस आप अच्छे से देख सकते हैं, और प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम प्राइवेसी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हम परफेक्ट करेंगे पहले, ओके। चलिए 2.1 में आ गए हम लोग, तो 2.1 में ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। मैं आपको के वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, फिफ्थ क्वेश्चन के वाला क्वेश्चन और ये एक्टिविटी के की, तो ये आप ये 2 अच्छे से देखेंगे, और फिर बाद में आपको डिसाइड वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये फोर्थ क्वेश्चन के, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से एज्यूम करेंगे कि ये आ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह से 2.2 प्रैक्टिस सेट पे आ गए हम लोग। 2.2 प्रैक्टिस सेट फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सेकेंड क्वेश्चन को एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों, और इस तरह से मैं ये फोर्थ क्वेश्चन ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से परफेक्ट कीजिए। 2.3 प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये पढ़ना नहीं है आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, 2.4 इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले मेथड से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं ये सेकेंड क्वेश्चन को, फोर्थ क्वेश्चन और ये एक और क्वेश्चन ले रहा दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है ये 3 मार्क्स के लिए, तो ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही है, तो आप ये सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेचर ऑफ द रूट्स में आप ये सेकेंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं इसको, 1-1 मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं 10th के अंदर, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ये इक्वेशन फॉर्म करना अपने को रूट्स के, ओके, तो ये सेकेंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन को आप लेंगे,
ओके। और ये 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में टिक करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो जितनी भी ब्लैक पेन से मैं कर रहा हूँ टिक, या आप अच्छे से इसको देखिए, इसके नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए, ये एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत लाइकली है ये। फिर ये विवेक वाला क्वेश्चन जो एज का क्वेश्चन है, ओके, ये एक लेंगे आप। और ये प्रतीक वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड का, ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला, तो ये 3 क्वेश्चन आप इस प्रैक्टिस सेट से प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम में से ले सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। चलिए हम आते हैं अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से कुछ भी कट नहीं है, पूरा ये चैप्टर अपने को परफेक्ट करना है, ओके। चलिए तो 3.1 में से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, वेदर द फॉलोइंग इज एन एपी और नॉट। तो इस तरह से मैं सेकेंड क्वेश्चन बोलूँगा, बहुत ईजी दोस्तों ये। थर्ड क्वेश्चन हम एज्यूम करेंगे और ये 5th क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट में से हम ले सकते हैं क्वेश्चन, बाकी का ईजी है दोस्तों। ये सिर्फ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेज नंबर 66 पे मैं आ गया हूँ। अब ये 94th वाला क्वेश्चन और 5th वाला क्वेश्चन आप एज्यूम करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 8th वाला क्वेश्चन लेंगे और इसी तरह से 9th वाला क्वेश्चन भी हम लेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हम 3.2 प्रैक्टिस सेट में से हम एज्यूम करेंगे कि ये आ सकता है, मोस्ट लाइकली है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से हम अब 3.3 प्रैक्टिस सेट में जाएंगे, जो एस एन के फॉर्मूले के बेस के ऊपर है। तो ये एक्टिविटी को आप कंसिडर कर सकते हो दोस्तों, ये एक्टिविटी आपके एग्जाम में आ सकती है, ओके। उसके बाद में ये 3rd क्वेश्चन मोस्ट लाइकली मैं एज्यूम करूँगा, ओके, और ये एक्टिविटी भी। और इसी के साथ साथ ये वाला क्वेश्चन जो 6th वाला है, तो ये 4 क्वेश्चन हम इसमें से लेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.3 इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी मैं 1 क्वेश्चन को मैं कंसिडर करूँगा, जो 8 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो वर्ड प्रॉब्लम ही है, फिर वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, ओके। अब दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो 2nd वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, तो ये 3 से 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैं कारगिल वाला लूँगा, टेम्परेचर का क्वेश्चन है। तो ये 2nd और ये 5th क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हैं, ये मोस्ट लाइकली है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा रिड्यूस है, तो ये पढ़ना नहीं है आपको इस साल के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा चैप्टर रिड्यूस हो गया, और स्टैटिस्टिक्स जो लास्ट चैप्टर है वो रिड्यूस हो गया। तो डायरेक्टली हम अब जाएंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जिसमें इसमें भी कुछ भी कट नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी, ओके। मैं डायरेक्टली दोस्तों 5.3 और 5.4 को मैं ज़्यादा कंसिडर करूँगा दोस्तों, क्योंकि 5.3 और 5.4 इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो आप ये 2nd क्वेश्चन को कंसिडर कर सकते हैं, 2 डाइस वाला इंपॉर्टेंट है, ओके। और फिर हम यहाँ पर 3 कॉइंस वाले को भी लेंगे, ओके। देखिए 2 डाइस 3 कॉइंस, और फिर बाद में कमिटी फॉर्म करना, तो ये 5th वाला क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको इवेंट लिखना है, ओके। और 5.4 प्रैक्टिस सेट में आपको इसको यहाँ पर प्रॉबेबिलिटी का फॉर्मूला भी सॉल्व करके लिखना है। तो देखो फिर से यहाँ पर 2 डाइस वाला आ गया, तो हम इसको भी लेंगे, ओके। और यहाँ पर 2 डिजिट नंबर फॉर्म वाला ये क्वेश्चन लेंगे, और कार्ड का क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन, ये जो 20-25 जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, इनको आप अच्छे से अलग से लिखिए और मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। और ट्रस्ट कीजिए दोस्तों, मोस्ट लाइकली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस कर लेते तो 80-90 मार्क्स आपको श्योर शॉर्ट मिल जाएंगे। और लास्ट सवाल हॉर्स क्वेश्चन का और एमसीक्यूज का, तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए, और नीचे पोल भी है दोस्तों आपके कमेंट बॉक्स में, तो वो पोल भी है, वो पोल में भी जाइए और वोट कीजिए कि आपको जोया मैथ्स एकेडमी के साथ के में और क्या क्या चाहिए, और मैथ्स में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो देखते रहिए दोस्तों जोया मैथ्स एकेडमी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।